हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। सो प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे इस बार 2024 का एग्जाम देने जा रहे हैं, वो बोर्ड के अलावा कोई भी क्लास में हो, यानी कि क्लास 11th में हो या फिर क्लास 9th में हो, जैसा कि इस बार काफी सारे बच्चे क्लास 10 से क्लास 11th में गए, अभी थोड़ा ही दिन का टाइम हुआ है, तो उस केस में जो क्लास 11th वाले बच्चे हैं उनका हाफ ईयरली का डेट निकल कर आ चुका है, उनका पीरियोडिक टेस्ट का डेट निकल कर आ चुका है। सो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपका हाफ ईयरली कब होगा, आपका फाइनल एग्जाम कब होगा। सीबीएसई की तरफ से जो ऑफिशियल टेंटेटिव शेड्यूल भेजा गया है सभी स्कूल के अंदर, वो मैं आपके साथ लेकर आ चुका हूँ। सभी स्कूल के प्रिंसिपल को ये भेजा गया है, तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। क्लास 8 वाले बच्चे भी देख सकते हैं, बट ये वीडियो मेनली क्लास 11th एंड क्लास 9th वाले बच्चे को फोकस करेगा। ओके, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो पूरे YouTube में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले मैं यहां पर 30 सेकेंड में क्लास 3 से लेकर क्लास 8 तक की बच्चों की मैं बात कर लूँ, अगर कोई बच्चा ऐसा वीडियो देख रहा है तो देखिए, जो आपका हाफ ईयरली है वो 8 सितंबर से स्टार्ट होगा, और जो आपका फाइनल एग्जाम है वो 4 मार्च से स्टार्ट होगा। ये आपके लिए अपडेट था। ओके, अब मैं बात करता हूँ क्लास 9 पहले, उसके बाद क्लास 11 को मैं ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा। तो क्लास 9 वाले बच्चे, आपका जो हाफ ईयरली एग्जाम है उसको 8 सितंबर से शेड्यूल किया गया है, जिसमें आपका टोटल 50% सिलेबस से क्वेश्चन आएगा, और उसके बाद जो आपका प्रोडक्ट टेस्ट 2 होगा उसमें ध्यान रखिएगा कि आपका ये 4 दिसंबर से शेड्यूल किया गया है, जो आपका फाइनल एग्जाम है वो आपका 4 मार्च से शेड्यूल किया गया है। ओके, तो ये था क्लास 9 वाले बच्चों का। अब मैं थोड़ा डिटेल में बात करता हूँ क्लास 11 वाले बच्चों का, और 9th वाले बच्चे भी प्लीज आप लोग भी देखिएगा, सुनिएगा। तो देखिए, सबसे पहले क्लास 11 वाले बच्चे, जो आपका पेपर का पैटर्न रहेगा वो बिल्कुल क्लास 12 का ऑफिशियल सैंपल पेपर का पैटर्न की तरह होने जा रहा है। ओके, अब नेक्स्ट कि जो जैसा कि आपका सेशन काफी लेट, एज यू ऑल्सो नो कि आपका सेशन लेट होता है, क्यों? क्योंकि आपका रिजल्ट ही इतना लेट से आता है, एडमिशन लेट से होता है, इसलिए जो आपका पहला जो यूनिट टेस्ट है उसको 7 जुलाई से शेड्यूल किया गया है, जो कि सीबीएसई बोलता है 50 मार्क्स का लिया जाए, बट स्कूल वाले 25 मार्क्स का या 20 मार्क्स का ही लेते यूजुअली, तो ये फ्रीडम स्कूल को दिया जाता है। अब मैं बात करता हूँ हाफ ईयरली का, तो 8 सितंबर से आपका हाफ ईयरली एग्जाम शेड्यूल किया गया है, ये बात को दिमाग में रखिएगा। और ये एग्जाम आपका अप्रॉक्सीमेटली 12 डेज तक चलता है, हर एक एग्जाम के बाद एक दिन का गैप रहेगा, कुछ एग्जाम में 2 दिन का भी गैप रह सकता है। ओके, एंड ये टोटली आपके रीजनल ऑफिस, आपके रीजन वाले आपका पेपर बना के देते हैं, आपके स्कूल वाले देते हैं, मतलब 4-5 स्कूल मिलके एक कॉमन पेपर बनाया जाता है। सीबीएसई इसका क्वेश्चन एंड डेट शीट नहीं रिलीज करता है, बस टेंटेटिव डेट्स स्कूल को भेज दिया जाता है, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। तो हाफ ईयरली आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपका 50% या 40-45% सिलेबस ही पूछा जाता है, क्योंकि क्लास 11 का सेशन थोड़ा लेट स्टार्ट होता है, इसलिए 100 मार्क्स का ये पेपर आपका होगा, मतलब जो 70 मार्क्स का पेपर वो 70 मार्क्स का होगा, जो 80 मार्क्स का वो 80 मार्क्स का होगा, ऐसा पेपर होता है। ओके, क्लियर है? और जो आपका प्रैक्टिकल होता है वो आपका यूनिट टेस्ट से उस वाले मार्क्स को रिफ्लेक्ट किया जाता है, बाकी उस पर ध्यान नहीं देना। हाफ ईयरली आपका 8 सितंबर से शेड्यूल्ड है, प्लस माइनस 5 डेज होगा, ये बात को दिमाग में रखिएगा, बट 8 सितंबर सीबीएसई का टेंटेटिव डेट सभी स्कूल को भेजा गया है। उसके बाद सेकेंड यूनिट टेस्ट को 4 दिसंबर से लिया जाए, ये सीबीएसई बोलता है। देन जो आपका फाइनल एग्जाम है उसको 4 मार्च स्टार्ट कर दिया जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली 20 मार्च तक चलता है, तो ये बात को दिमाग में रखिएगा कि हर हाल में आपका जो नेक्स्ट ईयर यानी क्लास 12th का, उसको फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से स्टार्ट करना ही करना है, ये सीबीएसई का ऑर्डर रहता है, इसलिए 20 से 25 मार्च
मार्च तक हर एक स्कूल वाले को आप सभी का क्लास 11 का एग्जाम खत्म करवाना ही करवाना होता है, ये मैंडेटरी होता है। तो ये जो मैंने आपको टेंटेटिव शेड्यूल बताया है, इसी शेड्यूल के हिसाब से आपका इस बार का एग्जाम होने जा रहा है। तो ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब में कहीं पर भी नहीं मिलेगा जो कि मैंने आपको बताया। तो इसके लिए एक सब्सक्राइब एंड एक लाइक जरूर कीजिएगा। प्रैक्टिकल में कोई भी आपके एक्सटर्नल टीचर नहीं आते हैं, आपके स्कूल वाले टीचर ही आपका प्रैक्टिकल लेंगे, ये बात को दिमाग में रखिएगा। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।